नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम तुलसी से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे तुलसी के पास कुछ वस्तुएं रखने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र मुख्य रूप से जीवन से नकारात्मकता हटाने का एक जरिया है। ये सूर्य की उदय होने की दिशा पूर्व दिशा होती है। इस दिशा के स्वामी इंद्र हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में कई चीज़ें रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। ऐसे ही वास्तुशास्त्र में ऐसे कई पौधों के बारे में बताया है जिसको घर में रखने से नकारात्मकता हट जाती है। उन्हीं पौधों में से एक है तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी का पौधा बेहद ही खास पौधा होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें कई ऐसे संकेत देता है जिन्हें यदि हम समय रहते बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तुलसी से जुड़े कुछ खास बातें। और दोस्तों, तुलसी के पास कुछ खास चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए, उसके अलावा भी कई बातों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर की गलत दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं अगर इसकी दिशा सही रखे तो घर में सुख समृद्धि और आप पर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं रहती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के बारे में हम सबसे पहले उन पांच चीज़ों के बारे में जान लें जिसको रखने से हमें नुकसान होता है। तुलसी के पौधे के पास चार चीज़ें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि आपके घर में अगर तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी गीला कपड़ा ना सुखाएं। कई बार तुलसी के पौधे के पास गीला कपड़ा सुखा देते हैं। कई लोगों के छत पर तुलसी का पौधा लगाया हुआ होता है तो वहाँ पर वो गीले कपड़े सुखा लेते हैं। तुलसी के पास कभी भी गीला कपड़ा ना सुखाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता तुलसी आपसे नाराज़ हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर या आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास हर समय साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर के परिवार में अशांति फैली रहती है और इसके अलावा आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आपके घर में धन संबंधी हानियां होती रहती है। इसलिए आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई अवश्य रखें। वहीं दोस्तों, तीसरी बात है कि लोगों को आदत होती है तुलसी के पौधे के पास भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को रख देते हैं, जो बहुत ही गलत माना गया है। अगर आप तुलसी के पौधे के पास भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं तो यह शुभ होता है। इसकी वजह से आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर पर ऐसा है तो उसे तुरंत ठीक कर दें और आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में कंगाली बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखना होता है। परंतु आप तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी जूते चप्पल मत रखिए, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पाएगा। माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाती है क्योंकि वहाँ पर तुलसी माँ का अपमान होता है। दोस्तों, इन चार बातों का आपने विशेष ख्याल रखना है। आगे हम बात करेंगे तुलसी से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में जिसे आपको अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, घर में तुलसी का गमला रखने से अगर कोई घर
अशुभ फल देता है तो भी वो शुभ फल प्रदान करने लग जाता है। बुध ग्रह के प्रभाव से पौधा फलने फूलने लगता है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है। घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाता है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रखने से यदि पुत्र जिद्दी है तो उसका हट दूर हो जाता है, और यदि घर की संतान पुत्र या पुत्री अपनी मर्यादा से बाहर अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञानुसार व्यवहार करने लगती है। दोस्तों, अगर किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्नि कोण में तुलसी के पौधे को कन्या नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है और विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, यदि किसी भाई के कारोबार में कोई बाधा आ रही है, कारोबार ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार को सुबह कच्चा दूध अर्पण करना चाहिए और मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है, व्यवसाय में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, नौकरी में यदि उच्च अधिकारी की वजह से परेशानी आ रही है या ऑफिस में खाली ज़मीन या किसी गमले आदि जहां पर भी मिट्टी हो वहां तुलसी को के बीज सफ़ेद कपड़े में बांधकर सुबह के समय दबा दें। ऐसा करने से आपके सम्मान में वृद्धि होगी। नित्य पंचामृत बनाकर यदि घर की महिला शालिग्राम जी का अभिषेक करती हैं तो घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। कितना भी बड़ा वास्तु दोष संबंधी समस्या हो वो दूर हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। आप सभी लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के घर में तुलसी का पौधा देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा अगर अपने घर या आंगन में लगाया जाए तो इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और घर में सकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। दोस्तों, जहां सकारात्मकता होती है वहां माता लक्ष्मी का निवास होता है, वहां हर देवी देवताएं निवास करते हैं। घर में तुलसी का पौधा होने की वजह से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी के पौधे का ना सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि इससे बहुत से औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। तुलसी के पत्तों से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो इससे बहुत सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। उस घर में रहने वाले व्यक्ति आपस में बहुत प्रेमपूर्वक रहते हैं क्योंकि पूरे घर में सकारात्मकता का माहौल रहता है। कितनी भी बड़ी बाधाएं आए, जिस घर में तुलसी माता का पूजा पाठ होता है, नित्य पूजा होती है तुलसी की, उस घर से वो बाधाएं दूर हो जाती है और कैसी भी समस्या हो दूर हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आपने भी अगर घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। अगर नहीं लगाया है तो आप तुलसी का पौधा विधिपूर्वक लगाएं और उसका पूजा पाठ करें। दोस्तों, ये आप 100% गारंटी है कि आपको उसका फल अवश्य ही दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना।